ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम शांति का, सुख का, स्नेह का या शक्ति का अनुभव नहीं करते, है ना? समय प्रति समय हम ये जो गुण हैं इनका अनुभव करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब ये किसी बाहरी वातावरण, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई व्यवहार उससे स्टिम्युलेटेड होते हैं, ठीक है ना? तो हमें एक स्टिम्युलस चाहिए होता है। देखो, शांति क्रिएट तो आत्मा ही करती है, सुख भी आत्मा ही अनुभव करती है, लेकिन हम हमेशा एक एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन से उसको अनुभव करना सीखते थे, है ना? मुझे एक बार एक भाई आता था तो मुझे कहता था कि आप दीदी मेरे साथ एक मंदिर चलना, वो मंदिर बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे पवित्र आत्मा हैं तो कभी आपको भी वो स्थान ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं उसको कहती थी, नया नया आता था, ज्ञान उसको इतना पता नहीं था, तो मैं उसको पूछती थी क्या है उस मंदिर में, तो मुझे कहता था कि वो यहाँ से 27 किलोमीटर्स है, लेकिन मैं हर सैटरडे वहाँ जाता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत शांति मिलती है ना? तो ये क्या है कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग की है कि वहाँ पर शांति का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे उसको कोर्स कराया तो उसको बताया कि शांति तो एक संकल्प की दूरी पर है ना? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, इतना संकल्प से, जैसे संकल्प से तुम अपने आप को स्वधर्म में स्थित कर सकते हो एक संकल्प से, और उस स्वधर्म की स्थिति में अपनी शांत अवस्था को अनुभव कर सकते हो। लेकिन इतना ज्ञान ना होने के कारण हम पूरे हफ्ते वेट करते हैं कि हम जाकर वहाँ 15 मिनट शांत होंगे। हम पूरे हफ्ते शांत, हर सेकंड शांत हो सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे समझाया तो फिर मुझे कहता था, अभी मुझे वो तो समझ नहीं आता, लेकिन सेंटर 2 किलोमीटर पर है और मुझे यहाँ भी शांति लगती है। तो फिर उसको फिर बताया कि सेंटर पर भी जो शांति अनुभव होती है वो वायुमंडल क्रिएट होता है। कैसे? आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होके क्रिएट करती है ना। हम आत्माएं जब सेंटर पर रहते हैं या जो भाई बहनें आते हैं वो क्या करते हैं? अपनी शांति का दान, हाँ, उस वायुमंडल को देते हैं। किसकी शांति? आत्मा की शांति। जो शांति आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर क्रिएट करती है, तो वो दान जो है उसका आप लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप खुद भी वो शांति क्रिएट करने के समर्थी में हैं, लेकिन उसको करें तो धीरे 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 बहुत समय लगा, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सच्ची शांति है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ता। ये जब चाहो, जहाँ चाहो, जितनी देर चाहो, जब तक चाहो, तुम इसे क्रिएट कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये सच्ची शांति तुम अपने स्वधर्म में स्थित होकर अनुभव करते हो। तो ये एक पॉइंट बाबा कहते हैं। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि एक ही चीज़ में लगानी है कि बाबा का परिचय कैसे दें, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुद्धि लगाने वाली बात, क्योंकि सारे दिन बुद्धि तो लगाते हैं ना। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि रीजनिंग करती है, एनालिसिस करती है, बहुत सारा, है ना? बुद्धि लगाना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की तह तक जाना, उसको एनालाइज करना, उसको एक्सप्लोर करना। तो बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि है तुम कितनी चीज़ों में सारे दिन लगाते हो, है ना? लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। कोई भी प्राप्ति होती है?
आप देखो बने बनाए ड्रामा में हम कितनी बुद्धि लगाते हैं, बना बनाया ड्रामा है, जो होना है जब होना है जैसा होना है हो रहा है, जिसको करना है जो करना है जैसा करना है वो कर रहा है, और हम उसमें बहुत बुद्धि लगा रहे हैं। और बुद्धि लगाकर हम क्या कर रहे हैं, हम उनके जो अवस्था है उसको अपनी अवस्था बना रहे हैं, है ना, और उनको अपनी बुद्धि के योग से शक्ति भी भर रहे हैं, किसी के अवगुण में शक्ति भर रहे हैं, किसी भयानक परिस्थिति में शक्ति भर रहे हैं। तो हम सारे दिन ये कर रहे हैं, किसी के प्रति भी संकल्प चले, बुद्धि लगी तो उसको शक्ति भरी, ये हम सारे दिन कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि और तुम सोचते हो कि ऐसे बुद्धि लगाते लगाते तुम कोई सल्यूशन कर दोगे, है ना, क्योंकि हम बुद्धि क्यों लगाते हैं, हमें देहाभिमान में लगता है कि बहुत बुद्धि लगाने से हम किसी को बदल देंगे, है ना। आप देखो आपके चारों तरफ जो आत्माएं हैं उनके व्यवहार के प्रति आप कितनी बुद्धि लगाते हैं, है ना, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं पता नहीं, ऐसा क्यों बैठते हैं पता नहीं, इस तरह से क्यों नहीं चलते, ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये अपना फ्यूचर बिगाड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कितनी बुद्धि लगाते हैं। लेकिन फिर भी उनको जो करना है जैसे करना है जितना करना है वो वही करते हैं, और हम क्या करते हैं, अपनी स्थिति भी बिगाड़ते हैं और उनको भी बहुत सारी, है ना, उमंग उत्साह भरने की जगह हम उनको भी क्या कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बुद्धि किस में लगाओ, बुद्धि इसमें लगाओ कि हर बच्चे को बाप का परिचय कैसे मिले, हर बच्चा बाप को कैसे जाने, है ना, और क्योंकि बाप को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, बाप को जानने से ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, शांत स्वरूप बन जाएंगे, बाप को जानने से कर्मों का ज्ञान मिल जाएगा, है ना, बाबा की पहचान मिल गई, बाबा पर निश्चय हो गया, मुरली सुनने लगा तो आपको फिर उस आत्मा के प्रति कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, वो आत्मा ऑटोमेटिकली बाबा की पालना में, टीचर की पढ़ाई में, सतगुरु के वरदानों में पल कर श्रेष्ठ बन जाएगी, पक्की बात है ना। तो इतना सारा किसी में भी बुद्धि लगाने के बजाय इसमें बुद्धि लगाओ कि बाप का परिचय कैसे दें, क्योंकि बाप के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है, है ना। अब बाप का परिचय क्या है वो पहले हम सोचें, क्योंकि आज बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी का ज्ञान, सभी क्या सोचते हैं भगवान कोई सर्वव्यापी तत्व है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि परमधाम में पुनर्जन्म रहित परमात्मा रहते हैं, और हम आत्माएं जब अपने 84वें जन्म में आकर बिल्कुल पतित बन जाती हैं, बिल्कुल ज्ञान बुद्धि से धुल जाता है, तब वो आकर ज्ञान सागर हमें ज्ञान सुनाते हैं, प्यार पालना देते हैं, शक्ति भरते हैं और सत्युग के लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो परिचय है बाबा का, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये परिचय जब तुम सबको दोगे तब उसका बुद्धियोग किससे जुड़ेगा, बाबा से। और मैं एक अनुभव की बात आपको बताती हूँ कि आप भले बाबा की ही बताई हुई बात किसी को बताओ, है ना, भले ही, कई बार होता है ना हम बाबा का दिया हुआ ज्ञान छंदों में बनाकर, एक्सर्प्ट्स में बनाकर, ब्लॉग्स लिखकर बहुत प्रकार से देते हैं, लेकिन जब तक आत्मा का बुद्धियोग बाबा से नहीं जुटता तब तक वो ज्ञान बुद्धि में जाता नहीं है। सचमुच आत्मा देहाभिमान से फ्री हो जाए ये ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, ये बाप को पहचानने से होगा। जब तक बाप को पहचाने ना आत्मा, तो कितना भी आप उसको सत्य ज्ञान सुनाओ
लेकिन वो ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बुद्धि योग बाबा से नहीं है, वो अभी भी देह अभिमान में है। इसीलिए देह अभिमान में ज्ञान बुद्धि में नहीं जाता। जब तक बाप को ना पहचाने, बाप के द्वारा आदि मध्य अंत के ज्ञान को ना पहचाने, संगम युग को ना पहचाने, तब तक यथार्थ ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आत्मा ये समझे कि मेरा बाबा आ गया है और मेरा बाबा मुझे कहाँ पर बैठकर ज्ञान सुना रहे, संगम युग पर और सतयुग के लिए ये ज्ञान सुना रहे हैं, और मैं आत्मा 84 जन्मों से जिस बाप से बिछड़ी हुई थी वो बाप आया हुआ है और मुझे उससे अपना खोया हुआ वर्षा लेना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो ज्ञान वैसे बहुत मुश्किल बुद्धि में जाता है, ऐसा लगता है ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये कैसे हो सकती है, लेकिन जब बाबा के द्वारा बाबा के घर में वो ज्ञान सुनते हैं तो जैसे एकदम से अंदर चला जाता है कि मैं सचमुच आत्मा हूँ और सचमुच मैंने 84 जन्म लिए हैं और मुझे अब बाप से वर्षा लेकर पावन बनना है। तो वो बात जो हमें लगता है कि लॉजिकली समझ नहीं आती तो कैसे समझेंगे या कैसे करेंगे, वो एकदम बाबा से बुद्धि योग जुटने से अंदर समा जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबको है ना, इसके लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसे हम किसी आत्मा को निश्चय कराएं कि ये बाबा आया हुआ है और बाबा का ये ज्ञान है ना। तो इस पे इसमें बुद्धि लगाओ। और एक चीज़ और है कि हमारी बुद्धि में बहुत ताकत है, क्योंकि हम हैं कौन, परमात्म संतान है ना। तो जैसे बाबा की बुद्धि गाई हुई है, महिमा योग्य है, ऐसे हमारी भी है, लेकिन हम इस बुद्धि को मैला करके रखते हैं, है ना। इस बुद्धि को किस में मैला करके रखते हैं, पर चिंतन में, है ना, और परदोष में। दूसरे का दोष देखती है बुद्धि, पर चिंतन करती है, और जो ऐसी मैली बुद्धि हो जाती है उस बुद्धि से ये वाले रतन निकलते नहीं है ना। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना मतलब आपका सुनना, सोचना, देखना, भोजन सब शुद्ध है। अगर हम अपनी बुद्धि का ध्यान रखते हैं कि मेरी बुद्धि कहीं पर भी देहधारियों के कर्मों में, कलयुगी सीन्स में अटकी लटकी चटकी पड़ी नहीं है, है ना। सारे दिन क्या होता है, बुद्धि कहीं ना कहीं अटक जाती है, लटक जाती है। आजकल तो क्या करते हैं, कोई आसपास बात नहीं है तो फ़ोन खोल के बुद्धि को अटका देते हैं वहाँ, है ना। किन किन बातों में बुद्धि अटकी पड़ी है ना, उस सीरियल में उसने उसको ऐसे क्यों बोला, है ना, उस फिल्म में ऐसा क्यों किया, बैठकर उसमें बुद्धि लगा रहे हैं, है ना। मनुष्यों ने अपनी पतित बुद्धि से एक रचना रची, आप उसका एनालिसिस करने में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, तो आप सोचो बुद्धि का क्या हाल होगा। फिर ऐसी बुद्धि को हम सोचें कि इस बुद्धि से परमात्म परिचय कैसे दे, वो आए नहीं आएगा। लेकिन यदि आप अपनी बुद्धि को इतना साफ स्वच्छ रखते हैं, आपकी बुद्धि में ज्ञान की बातों के अलावा, सत्य शिव बाबा के परिचय के अलावा कुछ नहीं चलता है, अगर आप बुद्धि को किसी संसार की बात में नहीं फंसाते तो आपकी बुद्धि में टचिंग होगी। मैं ये मेरा निजी अनुभव है कि हमें कोई, है ना, कोई ऐसा नहीं होता कि हम कोई बैठकर बहुत मेहनत करके कोई पॉइंट निकालेंगे या कोई बहुत हम, है ना, जैसे लोग होते हैं ना कि स्टैंड अप कॉमेडी करें तो जोक्स लिखने में थक जाते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि से निकालते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, आत्मा जब अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखती है, जब बुद्धि को स्वच्छ रखती है ना, तो वो बुद्धि की तार बाबा से जुड़ जाती है। और बाबा तो है ही बुद्धिवानों की बुद्धि, बाबा तो है ही सत्यता का सागर, तो बाबा से हमारा कनेक्शन होने से ऑटोमेटिक वो टचिंग्स होगी, आपको ये बात इनको कहें, वो बात ऐसे सुना दें, तो वो समझ आ जाता है।
और ऐसा आपके द्वारा होने लगेगा कि जिसको जो चाहिए, जिस बात से उसके भाग्य द्वार खुलेंगे ना, वो बात आपके मुख से स्वतः निकलने लगेगी। तो बाबा हमें कहते हैं बुद्धि इसमें लगाओ, तो बुद्धि की लगन जहाँ होगी ना, वहाँ बाबा उसको मदद देकर उस बुद्धि में वो शक्ति भर देगा। आप अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ रखते हैं, है ना, देखो दुनिया में लोग मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, है ना, तो हमें, हमारा मन मंदिर है, हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है ताकि हम मन मनाभव हो सके, हम बाबा की शांति का, पवित्रता का, स्नेह का अनुभव अपने मन में कर सके। इसके लिए हमें अपने मन को पुरानी पराई बातों में नहीं उलझाना है, हम बाबा की बुद्धि से बुद्धि योग लगा सके, है ना, बाबा की बुद्धि मेरी बुद्धि बन सके, बाबा जैसे देखता है वैसे मुझे संसार दिखाई दे, मेरे नैनों में भी वो कंपैशन आ जाए, मेरे अंदर भी वो समझ आ जाए किसको क्या कहना है, कितना कहना है। उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना होगा। बुद्धि में कोई बात एनालाइज नहीं करो, है ना। छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी ने, किसी के हाथ से कुछ गिर गया, है ना, हम कितना एनालाइज करते हैं, ये ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते तो नहीं गिरता, ये इस प्रकार से चलते हैं इसलिए ठोकर लग जाती है, ये इतना नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद नुकसान की कैलकुलेशन भी करते हैं, उसके बाद कहते हैं अगर इसकी जगह वो टूट जाता तो दुख नहीं होता, लेकिन ये तो नया था ना, ये तो 5,000 का था, अब आपको इसी को ही ठोकर मारनी थी। तो आप देखो कितना सारा हम एनालिसिस करते हैं, और वो है क्या, ड्रामा की एक सीन है, उसको आप कितना भी एनालाइज करेंगे, इट इज़ व्हाट इट इज़, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसको महत्व नहीं होता, आप दुनिया में देखते हो ना, बहुत लोगों को अपने धन का महत्व नहीं होता तो वो उसको वेस्ट करते हैं, ऐसे हम भी इस बुद्धि के महत्व को नहीं जानते तो हम इसे ऐसे ही खर्च करते रहते हैं, है ना, इधर उधर सब बातों में बुद्धि लगाते रहते हैं, है ना, कितना एनालाइज करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्म हम बच्चों को नहीं करने, हमें अपनी बुद्धि को फ्री रखना है, और उसकी दिशा कहाँ रखनी है, स्वचिंतन परमात्म चिंतन, और उससे हमारी बुद्धि में वो शक्ति आएगी, वो प्योरिटी आएगी कि हमारी बुद्धि से बाबा का परिचय कैसे दें, वो बहुत अच्छी युक्ति निकल कर आएगी। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं, और बाबा आज हमें कहते हैं ना कि देवताओं को, देवताओं के पुजारियों को परिचय दो। अब देखो पुजारी, देवताओं का पुजारी होना ज़रूरी नहीं है कि कोई जो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आत्मा ऐसी हो जिसकी भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई, है ना, तो वो इस शरीर में, इस जन्म में भक्ति नहीं कर रहे, तो कैसे पता चलता है कि ये शिव बाबा के या देवताओं के पुजारी हैं। तो जिसके अंदर भावना होती है ना, भावना, भावना परमात्मा के लिए भावना, है ना, पवित्रता के लिए भावना, अच्छाई के लिए भावना, ये बहुत बड़ी निशानियां हैं। भक्ति, भक्ति भावना कहते हैं ना, कहते हैं ना भक्ति भाव, भक्ति भावना। तो जिसके अंदर, जिसने भक्ति की होगी ना, उसके अंदर भावना होगी, और जिसके अंदर भावना होती है वो बाबा को पहचानता है, जिसके अंदर भावना नहीं होती वो नहीं पहचानता, है ना, ये भावना पहचान होती है। अगर किसी को रिगार्ड नहीं है अंदर उसके, है ना, किसी की, किसी के त्याग का रिगार्ड, तपस्या का रिगार्ड, वो आत्मा जब आके बैठेगी, वो जिस प्रकार से सुनती है, जिस रिगार्ड से बैठती है, आपको उससे पता चल जाएगा कि ये भक्ति वाली आत्मा है, है ना। कई ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल मॉडर्न नाम के शब्दों के पीछे क्या करते हैं, है ना, अपनी जो कैरेक्टर फ्लॉज हैं उसको छुपाते हैं
है ना, अगर आपके अंदर ये, मुझे मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ होता है कि आपके अंदर इतनी भावना नहीं है, इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि आप पहचान पाए सामने कौन बैठ रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा, है ना, वैसे तो सब कुछ ड्रामा अनुसार है, लेकिन ये एक परखने का इंडेक्स है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को देख कर ज्ञान सुनो। हमें किसी के साथ डिबेट नहीं करनी है, हमें किसी को कोई सिद्ध और जिद नहीं करना है, वो हमारा काम नहीं है, है ना। हम जानते हैं कि जो बाबा के बच्चे थे, जो देवताएं थे, वो ढूंढते ढूंढते बाबा के पास आएंगे, है ना, और उनको हमें उनका परिचय, उनके बाबा का परिचय दे देना है, बस इतना ही करना है। तो हमें किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, किसी के साथ कोई डिबेट नहीं करनी है। और जो भक्ति वाली आत्माएं होती हैं उनमें भावना होती है। हाँ, हो सकता है उनके संस्कार आज विकृत हो जाते हैं, नेचुरली है, 84 जन्म हम लेकर आते हैं तो बहुत सारे संस्कारों में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर आप दिल में देखेंगे तो भावना भरी होती है, भले ही संस्कारों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो संस्कारों को, इसीलिए जानकी दादी जी हमेशा कहते थे, जैसे कोई जाए ना किसी की कंप्लेन लेके, हाँ ये होता ही है ना, जब चार कहते हैं ना, चार बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे, तो चार क्यों, 8, 10, 12, 20 कितने भी रहते हैं सेंटर पर, तो फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ संस्कारों का, है ना कहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो जब दादी के पास जाते थे कि दादी ये ऐसे करते हैं या ये ऐसे कहते हैं, तो दादी हमेशा एक प्रश्न पूछते थे, आपने उनकी बात बताई लेकिन आपने उनकी भावना को जानने की कोशिश की, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आत्मा हमारे सामने है उसका संस्कार बहुत बिगड़ा हुआ है लेकिन उसकी भावना अच्छी है, और यूजुअली ब्राह्मण बच्चों में यही देखा जाता है, एटलीस्ट जो अच्छे देवता बनने वाले हैं वो तो बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उनको कहना नहीं आता पर कहना अच्छा ही चाहते हैं है ना, तो उनकी भावना में अच्छाई होती है लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार इसीलिए ये जो दादी हमेशा पूछते थे ये बात कि आपने उनकी ये बात बताई लेकिन आपने उनकी भावना को समझने की कोशिश की, क्योंकि आप देखो हम जब भी किसी के कर्मों को देखते हैं तो हम उन कर्मों के आधार से उनकी भावना को जज करते हैं ना, कि इन्होंने ऐसा बोला ना तो इनका इंटेंशन ऐसा होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब आप बाप के बच्चे हैं, इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि परिवार पर निश्चय, अब मैं ये वो बात कर रही हूँ जब ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना, जब ईश्वरीय परिवार में आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हें निश्चय होता है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो तुम ये जानते हो कि ये जो भी कह रहे हैं अच्छी भावना से कह रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हो। ऐसे ही परिवार पे भी निश्चय रखना पड़ता है फिर, कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं ना, शिव बाबा के चुने हुए लाल हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी भावना में कोई प्रॉब्लम है लेकिन ज़रूर इनके संस्कारों में कोई ऐसी बात है कि हम समझ नहीं पा रहे, है ना। तो ये बात थोड़ी सी, और अगर हम थोड़ा फेथ रखते हैं तो हमें समझ भी आता है कि वास्तव में सामने वाले की भावना क्या है। और ये प्रैक्टिकल हमने भी जो सेवा के क्षेत्र में देखा कि थोड़ा सा फेथ रखने से आपको धीरे धीरे समझ आता है कि वास्तव में हमारा ईश्वरीय परिवार अच्छा बहुत है लेकिन बाकी संस्कारों के थोड़े टकराव तो होंगे, क्योंकि संस्कार भिन्न हैं, भले हैं सब भावना भरी आत्माएं, देवात्माएं, लेकिन थोड़ा संस्कारों में भिन्नता होने के कारण आपको लगता है अगर ये बात कहनी थी तो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन उनको वैसे ही कहना आता है तो वैसे ही कहते हैं, है ना, अगर ये काम करना था तो ऐसे करते, है ना। कई बार सोचेंगे कि अगर इनको ये बचाना था तो इस रूप से बचाते,
लेकिन वो उसको उस रूप से नहीं, किसी और रूप से बचा रहे, लेकिन भावना उनकी यही है कि सफल हो। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि पहचान हो जाती है, और जैसे जैसे आप सेवा क्षेत्र में रहते हैं तो थोड़ी अनुभव भी हो जाता है। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि ये जो वननेस है ना, कि हम सब एक हैं, तो बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, हम एक के हैं इसलिए एक हैं, हम एक के हैं इसलिए एक हैं, है ना। हम एक नहीं हैं, हमारे में बहुत भिन्नताएं हैं लेकिन हम एक के हैं ना, तो इसीलिए आप दुनिया में क्या कहते हैं, सब में भगवान है। लेकिन सब में भगवान है तो सब परफेक्ट होने चाहिए, है ना। और वहीं पे सारा चैलेंज आता है जब आप ये कह दो कि फादरहुड है, सब में भगवान है, तो फिर सब में भगवान है तो उनके कर्म ऐसे क्यों हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सब में भगवान नहीं है, सब परमात्मा नहीं है, क्योंकि सब तो आत्मा है और आत्मा भी सब नंबरवार है, सब अलग अलग है, है ना। सबके अपने संस्कार, अपनी रिकॉर्डिंग है, लेकिन क्योंकि हम एक के हैं, सब एक पिता की संतान है, तो हम आपस में ब्रदर्स हैं। तो फादरहुड तो नहीं है, ब्रदरहुड है ना। तो इसीलिए ये जो हम एक के हैं इसलिए एक हैं, ये बहुत अच्छी विधि है हर आत्मा के साथ रूहानी कनेक्शन अनुभव करने की, है ना। इससे आपको हमेशा स्मृति में रहता है कि हर आत्मा अलग है ना, इंडिविजुअल है, और हर आत्मा के संस्कार भी अलग होंगे, लेकिन क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं तो उस हिसाब से हमारा एक रूहानी कनेक्शन है और एक रूहानी जिम्मेवारी है। कौन सी जिम्मेवारी है? हर आत्मा के प्रति स्नेह की, फेथ रखने की, हर आत्मा की उन्नति के लिए संकल्प रखने की, उमंग उत्साह भरने की, ये जिम्मेवारी हमारी है। जैसे आप देखो घर में भी, लौकिक घर में भाई बहन होते हैं तो भाई बहन एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, है ना। लेकिन और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम किसी की डेस्टिनी तो नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं? किसी भी भाई या बहन की आप डेस्टिनी नहीं बदल सकते। उसके जो भाग्य में है, वो जैसा है, जो गुण है, नहीं है, विशेषताएं हैं, नहीं है, आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता होता है कि आपको कभी भी उनके तरफ से अपनी केयर की भावना, बिलोंगिंग की भावना, शुभ भावना विड्रॉ नहीं करनी, है ना। आपको ये पता होता है कि आपको हर बच्चे को, हर भाई बहन को क्या देना है, अपनी शक्ति का सहयोग देना है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी आधार से तुम समझो कि ये जो इतनी सारी आत्माएं हैं, हम वैसे तो एक नहीं है, सबका पार्ट अलग है, सबकी स्क्रिप्ट अलग है, सबकी रिकॉर्डिंग अलग है, लेकिन हम एक पिता की संतान होने के आधार से हम सबके बीच एक रूहानी संबंध है, और उस रूहानी संबंध के आधार से हर आत्मा के साथ स्नेह संपन्न व्यवहार, सम्मान से व्यवहार, हर आत्मा के प्रति अपनेपन की भावना, हर आत्मा के प्रति केयर की भावना, और साथ साथ ये इस ज्ञान के आधार से कि हम अलग अलग है, डिटैचमेंट भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर डिटैचमेंट नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम अटैचमेंट के कारण क्रिएट होने लगती है, एक्सपेक्टेशन आने लगती है। तो ये भी आज बाबा ने हमें बताया। और फिर प्यारे बाबा ने आज हमें कहा तुम्हें ज्ञान डांस करनी है, है ना, ज्ञान डांस करनी है और ज्ञान डांस करानी है, है ना। आपने देखा है ना कि दुनिया में जो जिस टाइप का डांस करना चाहता है वैसा म्यूज़िक लगाता है ना। हर म्यूज़िक पर हर डांस नहीं होता, है ना। अगर आपको 5 प्रकार के डांस की पद्धतियां हैं तो आपको उनके लिए अलग अलग म्यूज़िक चाहिए होता है। ऐसे ही
म्यूज़िक क्या है, मुरली है ना, और मुरली में अलग अलग सुर होते हैं, है ना। मुरली की कोई पॉइंट आपको शांति की डांस कराती है, कोई पॉइंट आपकी ज्ञान इंद्री को बहुत टिकल करती है ना, कि आज तो इतनी अच्छी बात समझ में आई कि पूछो मत, है ना, बुद्धि को रस मिल जाता है। कोई ऐसी पॉइंट होती है जो आपको मैं पवित्र आत्मा हूँ स्मृति में स्थित कर देती है। कोई ऐसी होती है जो आपको जिम्मेवारी का अनुभव कराती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मुरली की जो तान है उसमें इतनी वैरायटी होती है कि आप एक एक तान पर एक एक पोज लगा सकते हैं ना। आत्मा अलग अलग पोजेज में स्थित हो सकती है, कभी ज्ञान स्वरूप, कभी शांत स्वरूप, कभी प्रेम स्वरूप, कभी शक्ति स्वरूप, है ना। और दुनिया में कहते हैं ना कि अगर आपको कभी बोर नहीं होना है तो आप डांस सीखिए, है ना। डांस सीखेंगे तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। लेकिन फिजिकल डांस का क्या, टांग टूट गई तो डांस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मा की डांस है ये आपने एक बार सीख ली, है ना, तो मुरली की तान अगर कानों में पड़ी या आप मन में भी मुरली का शब्द चलाएंगे, मुरली का महावाक्य रिपीट करेंगे, तो ज्ञान डांस आत्मा करती रहेगी और बहुत मनोरंजन का अनुभव करेगी, उमंग उत्साह में रहेगी, स्वस्थ रहेगी, कभी बोर नहीं होगी, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान डांस तुम खुद भी करो और अन्यों को भी कराओ, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, आत्मा फिट रहती है और उमंग में रहती है। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें रीढ़ बकरी नहीं बनना है ना। रीढ़ बकरी बनते हैं तो फिर माया जो है वो हमें बहुत तंग करती है, माया हमें परास्त कर देती है। तो ये जो रीढ़ बकरी है, आप देखना कि रीढ़ बकरी, बकरी क्या करती है, मैं सारे दिन, है ना। तो बकरी बनना माना मैंपन में रहना, जो बहुत मैंपन में रहता है ना उसको माया बहुत तंग करती करती है कि नहीं। सारे दिन क्या तंग करता है, एक चीज़ याद रखना, अगर आप में ईगो है, मैंपन है, तो अटैक ज़रूर होगा। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कभी अटैक नहीं हो सकता, और ईगो कभी अटैक से बच नहीं सकते, है ना। मैंपन है तो कहीं ना कहीं अटैक ज़रूर होगा, है ना। अगर ये है कि देह अभिमान है, मैं शरीर हूँ ये भान है, तो फिर बीमारी आएगी, एज होगी, कोई चोट लग जाएगी, कुछ भी होगा तो क्या होगा, वो मैं के आधार से रोना बिलखना शुरू हो जाएगा, मुरली छूट जाएगी, अमृत वेला छूटने लगेगा। तो माया क्या करती है, माया आपको पुरुषार्थ से भटका देती है। तो जिसके अंदर मैंपन होता है, शरीर का भान होता है, काम का, कर्म की कॉन्शियसनेस बहुत होती है, कई ऐसे होते हैं ना, अभी कोर्स चल रहा है तो मैंने सबको बोला कि अमृत वेला करें, तो एक भाई ने मुझे कहा कि मैं तो रोज़ 4 बजे वैसे भी उठता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो कल से आप मेडिटेशन करें। तो आज जब आया तो मैंने उसको पूछा कि आपने मेडिटेशन किया, तो कहते नहीं। तो मैंने कहा आप 4 बजे नहीं उठे आज, तो कहते नहीं 4 बजे तो उठा लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि मैं तो 4 बजे से उठ के वॉक पे चला जाता हूँ, तो मेरे को वही याद रहता है कि वॉक पे जाना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। तो आप देखो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा ये संस्कार है, मेरी ये आदत है, ये सारी चीज़ें माया का द्वार बनती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो अपने कमज़ोर संस्कारों को, विकारी संस्कारों को, विकर्म बनाने वाले, वेस्ट करने वाले संस्कारों में फंसे रहते हैं, है ना, और फिर मैं का स्वर गाते रहते हैं, उन बच्चों को माया क्या करती है, माया ताकत नहीं बनने देगी, माया उनको ज्ञानी योगी नहीं बनने देगी, पवित्र नहीं बनने देगी, लोकलाज में फंसे रहेंगे, है ना। ऐसा कई ऐसे होते हैं ज्ञान में आ गए, शादी हो भी नहीं रही है, जबरदस्ती करेंगे, क्यों, क्या कहेंगे लोग, है ना, क्या कहेंगे लोग। बहुत कोशिशें करते पतित बनने की,
बहुत कोशिशें करते हैं बहुत चीज़ों की, क्यों? क्योंकि लोक लाज में, सोशल स्टेटस, तो सोशल स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मैंपन है ये तुम्हें ले डूबेगा, इसलिए कमज़ोर संस्कारों को मेरा संस्कार कहना छोड़ो, है ना। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मुझे बाबा के संस्कारों के आधार से चलना है। ओके, ओम शांति।